कोरोना वायरस आजकल बहुत फैला हुआ है और पूरा वर्ल्ड में अब ये र्यूमर है कि बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। लोग बहुत डरे हुए हैं, स्केयर्ड हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, इवन दे आर अवॉइडिंग कि जिम ना जाएं, किसी क्राउडेड मॉल में ना जाएं। पहले ये था कि ये सिर्फ चाइना में है, अब तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। पर देखो, हम कोरोना वायरस को क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं। कोरोना वायरस एक तरीके का वायरस है, और वायरस और बैक्टीरिया में ये फ़र्क होता है कि वायरस अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो जब तक अभी, क्योंकि ये नया है, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इससे क्या क्या होता है, ये अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं पता। तो इसी वजह से ये इतना डेडली है और इसमें इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, यानी डेथ हो रही है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, आपने कोई भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना जहाँ भीड़ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस आदमी के साथ खड़े हो, जिसने मास्क लगाया हुआ है, आप सोच रहे हो इसको इन्फेक्शन होगी, इट कुड बी अदर वे राउंड ऑल्सो कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, और जिस आदमी ने मास्क नहीं लगाया हुआ उसको इन्फेक्शन है। अब सपोज आप भीड़ में गए, आपको, आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ खड़े हो गए या इस ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस है और आपको इन्फेक्शन हो गई, तो उसमें अगर ऐसे किसी भी आदमी के संक्रमण में आप आते हो तो आपको इमीजिएटली कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे सपोज आपका हाथ कहीं टच हो गया तो आपको ये प्रिकॉशन लेनी है कि सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हैंड वॉश। तो आपको हैंड वॉश प्रॉपर करना है। हैंड वॉश कैसे करते हैं, हाथों को अच्छे से सोप लगाया, पूरा फ्रंट साइड, बैक साइड, बिटवीन द फिंगर्स, बिलो द नेल्स, ये रब करके अच्छे से 20 सेकेंड में वॉश करना है, और उससे आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद ही अपने आप को टच करना है। सपोज आपको कोई इन्फेक्शन है और आपने अपनी आंखें मल ली या नाक को प्रेस कर दिया या ईयर्स पे रब कर दिया, तो आपने इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर दिया। और एक बार वायरस कहीं भी ट्रांसमिट हो जाए तो 48 आवर्स तक उसको कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर कोई चीज़ इन्फेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सोप वाटर से उसको वॉश कर देना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब अब जैसे सपोज कोई, किसी को इन्फेक्शन है, वो अपने कमरे से निकला, उसने हैंडल को खोला, डोर को, उसके बाद स्टेयर से आया, उसने रेलिंग को टच किया, या सपोज स्टेयर से नहीं आया, वो लिफ्ट से आया तो उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, तो इन सारे चीज़ों में उसने वहाँ इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दी। अब जब आप वहाँ पर प्रेस करोगे या रेलिंग को पकड़ के आप उतरोगे तो आपको भी इन्फेक्शन होने की प्रॉबेबिलिटी हाई है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप कहीं से भी बाहर से आते हैं तो आपने हमेशा हैंड वॉश को प्रेफर करना है, हमेशा अच्छे से हाथ धोने, और ये आदत पूरे परिवार को डालनी है। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, आमतौर पे लोग हेजिटेट करते हैं कि मास्क नहीं पहनना। अरे, मास्क ही तो प्रोटेक्शन है जो आपको बचा सकता है, तो आपको मास्क पहन के भीड़ वाली जगह में जाना चाहिए। और वहाँ ये बात का खास ध्यान रखो कि जब आपने एक दिन मास्क यूज़ कर लिया उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करना है, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उस मास्क के अंदर वाली साइड भी इन्फेक्शन जो है, वो वायरस जो है वहाँ पे आ जाता है, तो उसको टच करने से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, इन बातों का आप ध्यान रखो। बाकी अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं कि आपको लगता है कि मुझे ऐसे एलर्जिक सिम्टम्स हैं और मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, और वो सिम्टम्स एक दिन के अंदर अंदर आपको लगता है कि इम्प्रूव नहीं हो रहा बल्कि डिटीरियोरेट हो रहा है, तो इमीजिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, चेस्ट स्पेशलिस्ट से या पल्मोनोलॉजिस्ट से, वो उसको डायग्नोज कर देंगे। बाकी पैनिक करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर सपोज आप डरते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, ये नॉलेज होनी चाहिए और उससे प्रिकॉशन लेनी चाहिए। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोरोना वायरस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।